हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होगे और आप सब घर में सेफ होगे और सेफ्टी के साथ होगे। तो गाइस, आज हम कर रहे हैं कैंपिंग, और कैंपिंग है हमारे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक छोटे से गांव जुब्यालीधार में, और हम वहां से कुछ दूरी पे स्थित एक मंदिर है जिसका नाम है ओरिका टिम्बा। वहां पे श्री गुरु महाराज का मंदिर है, तो हम आज आपको वहां ले चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। गाइस, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हरी भरी हरियाली है और ये काफ़ी पहले का पेड़ टूटा हुआ है। इस पर घास और पत्तियाँ भी उग चुकी हैं। और गाइज, आप देख सकते हैं हम पथरीले रास्ते के बीच चल रहे हैं, और ये है मेरे कुछ फ्रेंड्स, ये टाइम का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हम घर से चले थे 9 बजे और अब टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं। अभी तो हमने बहुत ही थोड़ा सफ़र तय किया है। और गाइज, आज आपको इस जर्नी के बारे में बताएंगे श्याम लाल शर्मा। तो श्याम लाल जी, बताइए ये जो ओरिका टिम्बा है, ये जो मंदिर है वो कब बना, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका इतिहास तो मैं खुद भी नहीं जानता, एक्चुअली बहुत सुना है इस चीज़ के बारे में, काफ़ी बारी आया भी हूँ पर मंदिर तक नहीं पहुँच पाए। तो आज की यात्रा बहुत ही सुखद और मज़ेदार यात्रा होने वाली है, क्योंकि आज पहली बार मैं भी जा रहा हूँ ओरिका टिम्बा। अभी तक हमारी काफ़ी अच्छी यात्रा रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक रास्ते भी है, रास्ते भी है, और गाइज बहुत ज़्यादा यार सुनसान जंगल है। अब मैं तो पहली बार आया हूँ, बाकी हमारे साथ यहाँ पे और स्थित है समन शर्मा, जो कि हमारे जुबियालीधार के रहने वाले। तो गाइज, इसको बोलते हैं लिंगूर, आई थिंक, मुझे ज़्यादा नहीं पता कि इसको और क्या बोलते हैं, बट जो हमारे पहाड़ी भाषा में हो इसको लिंगूर बोलते हैं। तो शायद आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वैसे आपने सुना तो बहुत होगा पहाड़ों के बारे में, पर हमारे हिमाचल की थोड़ी अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ से पहाड़ नहीं, कुछ ऐसा सौंदर्य देखने को मिलता है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रिस्क की पहाड़ियाँ। करीबन आधा सफर तय कर चुके हैं और आधा सफर अभी बाकी है, तो अभी काफी थक चुके हैं, थोड़ा हम विश्राम करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो गाइज देखिए, हम काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया हमने, और आप देख सकते हैं कि व्यू कितना अच्छा रहा है, ये देखिए आप। और यहाँ पे बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी है, आई थिंक कैमरे में मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स है श्याम लाल जी और चमन जी। श्याम लाल शर्मा जी हैं, ये हमारे स्टंटमैन भी है। यार रास्ता देखिए, मतलब बहुत ही डेंजर रास्ता है यार गाइज। अब आई होप कि हमारी जो पिकनिक है वो अच्छी रहे, पिकनिक मनाने आए यार फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए आप, बहुत ही डेंजर है यार ये वाला फॉरेस्ट, तो देख सकते हैं आप। और मैं आपको यहाँ की पर्वत श्रृंखला दिखाता हूँ, बहुत ही डेंजर है यार, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई यहाँ से गिर गया गाइस, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच पाएगा, आप भी देख सकते हैं। गाइस देखिए कितनी डेंजरस पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और हमने लगभग सफ़र तय कर लिया है, हम काफ़ी थक भी चुके हैं, और आप देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, और काफ़ी अच्छी हरियाली भी है यहाँ पर। तो यार आप सब भी आइए यहाँ पर ओरिका की टिम्बे में फैमिली वेकेशन मनाने, तो देख सकते हैं आप कितनी हरियाली है। गाइज ये है वो मंदिर जहाँ के लिए हम कैंपिंग करने के लिए आए थे, बट यार सॉरी, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ पे बारिश हो रही थी,
और ये जो पत्थर है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट शिमला को जोड़ती है, मीन्स बोले तो बॉर्डर है। और ये देखिए, हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी की वहाँ पे, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। और ये मंदिर देखिए पीछे, ये थोड़ा ब्लर हो गया बट सॉरी यार। और देखिए मेरे फ्रेंड पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, मौसम भी ख़राब है, बारिश की संभावना लग रही है मुझे शायद, और हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही है, और ये काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है। और मेरे दोस्त देखिए कैसे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। और देखिए गाइस, ये बारिश भी आ चुकी है, अभी थोड़ी बहुत हो रही है बट ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाली है। और देखिए थोड़ी बहुत तेज़ भी हो रही है बारिश। अब हमें कहीं रुकने का स्थान देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त देखिए कैसे तेज़ तेज़ चल रहे हैं, और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यादगार पल है ये। तो देखिए गाइस यार, मौसम ख़राब हो चुका है लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है। और देखिए गाइस, बारिश काफ़ी तेज़ जा चुकी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और हम काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं आप देख। तो गाइस यार देखिए, हम आज आए थे अपने कैंपिंग को कंप्लीट करके जा रहे हैं, ओडी का टिम्बा आए थे हम। तो यार वापसी जाते जाते बारिश हो गई है, तो हम देखिए पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं ओराड़ बोलते हैं, ये बारिश से बचने के लिए होता है। और नहीं नहीं गुफा नहीं है, गुफा तो होती है जो काफ़ी अंदर तक होती है और राउंडेड में होती है हमेशा गुफा। ये गुफा नहीं, हाँ हिंदी में बोल सकते हैं गुफा, बट गुफा नहीं मैं बोलूँगा इसको। और काफ़ी बारिश है, अगर आपको दिखेगी, चमन जी दिखाई इनको बारिश, और शायद दिख रही होगी आपको, छोटी 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 बूंदा बांदी है आई थिंक, मुझे लगता है आपको नहीं दिखेगी बट यार गाइस क्या कर सकते हैं, बारिश हो चुकी है। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, रोड में बैठे हुए हैं। बाकी यार आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। गाइस आप रोड के अंदर का व्यू देख सकते हैं कि कैसा होता है ये अंदर से, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा दिखाने की। और गाइस ये नेचुरली ही बने हुए होते हैं, इसको कोई बना के नहीं करता है। ये देखिए छोटी छोटी घास भी आई है इस पर, तो देख सकते हैं आप, लकड़ी सी भी है ये, कुछ लकड़ी सी है। रोड आगे ब्लॉक है, रोड पेड़ गिरा हुआ है गाइस, और ओह माय गॉड। और देखिए हम यहाँ से गुजर रहे हैं, कैसा दिखा वो, और बहुत बारिश है गाइस। और ये देखिए रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है, और गाइस व्यूज देखिए आप यार, मतलब क्या गजब व्यू है यार, मतलब आओ कभी यार घूमने गाइस, तो अपनी बीवी बच्चों के साथ आओ कभी। तो देखिए गाइस रास्ते में पत्तियाँ बिछी हुई है, देख सकते हैं आप गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डेंजरस पहाड़ियाँ हैं। आपने काफ़ी पहाड़ियाँ देखी होगी और घूमने भी गए होंगे, बट ऐसी डेंजरस पहाड़ियाँ आपने कभी नहीं देखी होगी जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई गिर गया गाइस तो मुझे नहीं लगता कोई बच पाएगा, मुझे वीडियो बनाते हुए यहाँ से काफ़ी डर भी महसूस हो रहा है, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, अब वहाँ पे घूमने गए थे, और ये जो जंगल है वो काफ़ी घना है, और ये कुछ आपको एरिया दिख रहा है, ये उत्तराखंड का एरिया भी है कुछ यहाँ से जो आपको दिख रहा है, और जंगल देखिए यार। और गाइस यहाँ पर राउंडेड व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है,
काफ़ी ठंड सी महसूस हो रही है। आप पहाड़ियाँ देखिए यार, ये कुछ आपको जो लास्ट वाली पहाड़ियाँ दिख रही है ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं। एट लास्ट हम थोड़े ग्राउंड वाली जगह में आ गए हैं गाइस, और हम यहाँ पे अब एंजॉय करने वाले हैं। और सामने देखिए मंदिर, गाइज अब हम उतरने वाले हैं पहाड़ियों से नीचे यहाँ से। गाइज अब देखिए हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए, ये देखिए अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और यार रास्ता थोड़ा सा, मतलब आप अगर आओगे कभी तो गाइज आप लोग नहीं चल पाओगे क्योंकि थोड़ा पथरीला रास्ता है। आई होप आप चल पाओ अगर कभी आओगे तो। बट तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर एरिया है, मीन्स डेंजर यहाँ पे नहीं है, मैं थोड़ा रास्ते की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पथरीला है बट। तो देखिए गाइस, देखिए गाइस, और बहुत घना जंगल है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। अब हम घर वापसी की, मैं भी यार काफ़ी जगह घूमने गया हूँ बट जो ये एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मतलब यहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं है और कोई भी अदर साउंड नहीं है, मीन्स गाड़ियों की
अदर साउंड। और काफ़ी पथरीला रास्ता है यहाँ पर। देखिए चमन जी हमारे बोतल लेके चल रहे हैं। और यार पहाड़ियाँ देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। पेड़ देखिए, बहुत ज़्यादा हरियाली है आपके इस वाले एरिया में जहाँ पे आज हम कैंपिंग करने गए थे। और गाइज बाकी लाइफ में यार इन्जॉय करना चाहिए, घूमने जाओ। और देखिए गाइज कितनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये जो लास्ट वाली पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही है ये हमारे उत्तराखंड राज्य की हैं। और यार हम घर के भी काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, घर वापसी कर रहे हैं हम तो घर के काफ़ी नज़दीक। और देखिए हमें बैल मिल गए रास्ते में, कैसे पंक्ति में खड़े हैं। आई थिंक मुझे लगता है बैल ही है। हाँ ये तो पक्का 100% बैल ही है। यार देखिए इसका सीन कैसे बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है देखने में। और गाइज अब मैं दिखाता हूँ हमारा गांव कौन सा है। ये जो घर दिख रहे हैं आपको नीचे, ये है जुब्याली धार। और देखिए हमारे जुब्याली धार का जंगल काफ़ी घना है। हमारे जुब्याली धार का जंगल काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ है यार, और इनकी जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। एट लास्ट हम पहुँच चुके हैं, अपने घर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा छोटा सा गांव जुब्याली धार। और सामने देख सकते हैं आप कैसा व्यू दिखता है अच्छा। एंड देखिए देखिए हमारा ये छोटा सा प्यारा सा गांव है।